तो जैसे पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ, मैं उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे मैं अपना तलवार लेके गया और बहुत सारी काउज वगैरह को मारा था और घोड़ा को भी मारा, ताकि मैं लेदर वगैरह और वो क्या बोलते हैं खाना वगैरह सब कलेक्ट कर पाऊँ। और फिर उसके बाद मैं और भी ये कलेक्ट करने के लिए बहुत दूर दूर चला गया, और ये देखो मैं उछल उछल के चल रहा हूँ, और इस वाली भेड़ को भी मार दिया मैंने, बहुत सारी भेड़ वगैरह को और गाय वगैरह पिगीज को सब को मारा, और बहुत सारा खाना कलेक्ट किया, ताकि इस वाले एपिसोड में मेरे को खाना कलेक्ट करने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े सॉरी। और ये देखो तुम लोग मुझे यहाँ पे सब लोगों को मारते हुए देख सकते हो, और मैं वहाँ पे बोलने के लिए चूक गया भाई सब। और मैंने उधर से पम्पकिन वगैरह कलेक्ट किया और बहुत सारा खाना भी कलेक्ट किया और वुड भी कलेक्ट किया था शायद से, मैं भूल गया लेकिन। और उतना हो जाने के बाद मैं दौड़ते दौड़ते अपने घर पे आया, और मैं ऐसे इमर्ट करता हुआ था, पता नहीं क्यों किया इमर्ट वगैरह। और फिर घर पे आने के बाद मैंने कोल वगैरह लगाया और स्मोकर लगा के उसमें मैंने खाना डाला और पूरा ये पकाने के लिए रख दिया खाना को, और एक और फर्नेस बना के उसमें मैंने खाना पकाने के लिए और रख दिया। और अब आगे देखो। हे लेजी आर्मी, क्या हाल है सब लोग के? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, और तुम लोगों का वापस से स्वागत है मेरे सर्वाइवल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 पे। आज हम हमारा घर बनाएंगे, और इस वाले ये जो एरिया तुम पीछे देख रहे हो इसको थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे, और इसमें हम घर बनाएंगे, और हम फार्मिंग वगैरह भी करेंगे, हमारा फार्म एक्सपांड करेंगे जो यहाँ पे नीचे है। और मेरा वो ख़त्म हो गया अंदर बार, शायद मैंने खाना पकाने के लिए रखा था उधर वो क्या बोलते हैं फर्नेस वगैरह में, शायद मैंने इधर पकाने के लिए रखा था खाना वगैरह। हाँ देखो मैं ऑफलाइन जाके खेल रहा था, और मैंने खाना पकाया था वगैरह सब, ये तो ये खाना खाते हैं जल्दी से। वाह, अब मैं स्प्रिंट कर पा रहा हूँ, नाइस। तो हाँ, आज का प्लानिंग है हमारा घर बनाने का और फार्म बनाने का। और मेरे को घर बनाने के लिए अब बहुत सारी कॉबल स्टोन और लकड़ियाँ वगैरह भी चाहिए, तो वो जल्दी से मेरे को कलेक्ट करना पड़ेगा। और मेरे को एक नया पिकैक्स भी चाहिए भाई, और आज तो भाई आयरन भी मैं माइनिंग करूँगा, क्योंकि वो है नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, एक आयरन का इंगट भी नहीं है भाई मेरे पास। तो चलो जल्दी से अब हम लोग केव में चलते हैं एक किसी भी, और वहाँ पर जाके थोड़ी सी माइनिंग करते हैं आयरन के लिए, और आयरन आर्मर भी बनाना है ना आज, तो इसलिए तो जल्दी से चलते हैं। अरे केव ढूंढने की क्या ज़रूरत भाई, हम लोगों को अगर लास्ट एपिसोड से मालूम होगा तो ये देखो इधर एक बड़ी सी केव है, और वो बहुत नीचे तक जाती है, तो मैं इधर ही जाने का आज मैं कोशिश करता हूँ। चलो कोशिश क्या करता हूँ, इधर ही चलेंगे और इधर आयरन ढूंढेंगे, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँगा उससे, उसके साथ बहुत सारा आयरन माइन करेंगे, और वो क्या बोलते हैं आर्मर वगैरह टूल्स वगैरह और बकेट भी बनाएंगे हम, चिंता मत लो गाइस। तो भाई मैं इधर से नीचे उतर रहा था, तो देखो भाई क्या मिला मेरे को, आयरन वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी आयरन दिखा है, तो वो भी मैं लूँगा। रुको इधर कोल दिखा था मेरे को, वो भी ले लेता हूँ, क्योंकि कोल तो भाई मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था ना कि जितना मिले उतना ले लो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होती है कोल वगैरह, सब ले लो भाई जितना मिलता है सब। अरे इधर तो सिर्फ एक ही मिला, तो ये पिकैक्स भी अब टूटने वाला है, इसको ऐसा करते हैं तोड़ ही देते हैं इधर कोबल स्टोन्स माइन करके। लो भाई बोलते बोलते टूट गया ये पिकैक्स तो, और लेकिन चिंता मत करो मेरे पास इन्वेंटरी में एक पिकैक्स पड़ी है स्टोन की, जो मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जल्दी से इधर से नीचे चलते हैं, और मेरे को बहुत फॉल डैमेज, ओ भाई हाफ हार्ट में बचाओ, मैं हाफ कहाँ से आते हैं? चलो बिना किसी देरी के इस आयरन को माइन कर लेते हैं, मैं अभी 2 हार्ट पे हूँ, अगर किसी ने फूक भी मार दी ना तो मैं मर जाऊंगा भाई। भाई इधर तो बहुत सारा आयरन मिल गया मेरे को, 4, 5 और ये 6 हो गए भाई एक से ही एक बारी में। और इधर ऊपर भी देखा था, हाँ देखो उधर है बहुत सारा आयरन, और उधर कोल भी है, उसको भी मैं लूँगा, लेकिन मैं पहले आयरन को लूँगा। ये रहा, ये गया एक, को भी माइन कर लेता हूँ, तो ठीक है इसको भी माइन कर लिया। और अरे इसको मैंने कैसे नहीं देखा, चलो इसको भी लेता हूँ चलो। और अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी करो, सिर्फ भाई 1 सेकेंड ही तो लगता है, तुम लोगों को क्या जा रहा है, फ्री है भाई सब कुछ, कर दो भाई, क्या है सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, वीडियोज़ भी देख लो, क्या जाता है तुम लोग, ऐसे भी फ्री टाइम होगा तुम लोगों के पास, टाइम पास भी हो जाएगा, अगर फ्री टाइम नहीं है तो फ्री टाइम जब होगा तब देख लेना।
भाई साहब, मैं तो अभी केव में आया ही था कि मेरे पास अब 13 आयरन हो चुका है और मैं इधर से गिर के वापस से फॉल डैमेज नहीं लेना चाहता, जो मैंने ले लिया क्योंकि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो चलो, मैंने इधर से कोल भी ले लिया और सिर्फ ये एक बचा है, लो भाई इसको भी ले लिया। तो अभी हम इधर जाएँ इधर जाएँ, चलो पहले इधर जाके देखते हैं क्योंकि इधर एक केव था और इधर मेरे को मिलेंगे आयरन। लेकिन उससे पहले मैं टॉर्च बना लेता हूँ। ये गए मेरे वुड और ये स्टिक्स और ये मैंने बनाए टॉर्चेज। 32 टॉर्चेज हो चुके। ओ भाई साहब देखो भाई कितना आयरन है। भाई 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 भाई, और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैंने ये क्रिएटिव से लिए, तो मैं तुम्हें अभी प्रूफ दिखा देता हूँ। ये गया मैं सेटिंग्स में और ये देखो, अरे ये देखो, ये ऐसा दिखाता है अगर तुम क्रिएटिव में नहीं गए हो तो। और ये देखो गेम मोड वगैरह सब डिफ़ॉल्ट में है, समझ रहे हो, मैंने क्रिएटिव यूज़ नहीं किया है। तो जल्दी जल्दी से इस वाले आयरन को भी मैं माइन कर लेता हूँ। और ये देखो और आयरन मिल रहा है भाई साहब। भाई मिलते जाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। आयरन की तो बारिश हो गई मेरे पे बारिश। क्या बोलती है आयरन की पब्लिक। भाई ये तो बहुत बड़ा सब है, नहीं भाई इसका जल्दी से मैं ले लेता हूँ। और फिर ये चलो भाई, और देखो आयरन, सिर्फ आयरन माइन करके मेरा ये वाला नया वाला पिकेक्स भी फूटने वाला है आयरन और कोल से। कोई बात नहीं है, मैं अभी यहीं पे अब वो बनाने वाला हूँ, फर्नेस वगैरह बनाऊँगा और यहीं पे मैं इस वाले आयरन को स्मेल्ट करके आर्मर वगैरह सब बना के जाऊँगा। सिर्फ एक आयरन और पक जा। लो भाई मैं अब इधर से आयरन पिकेक्स बनाऊँगा और उससे मैं थोड़ी देर के लिए वो तोड़ूँगा पिकेक्स, वो क्या बोलते हैं स्टोन, तब तक हमारा आयरन भी पक जाएगा। तो ठीक है, शायद अब तो आयरन बहुत ज़्यादा स्मेल्ट हो चुका होगा, क्योंकि 8 आयरन इसमें, 9 आयरन इसमें है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी बनाता हूँ हेलमेट, चेस्ट प्लेट, उसके बाद एक वाटर बकेट और एक शील्ड भी बना लेते हैं। और ये वाला आयरन आर्मर को मैं थोड़ी देर बाद पहनूंगा जब मैं पूरा का पूरा सेट बना लूँगा। तब तक के लिए मैं इसको इधर और इधर रखता हूँ और हो को अंदर रख के और शील्ड को भी इक्विप करो। तो थोड़ी देर बाद जब मैं पूरा का पूरा सेट बनाऊंगा तो तब उन इसको एक ही बार में इक्विप कर लेंगे। बना सकता हूँ लेगिंग्स, बना सकता हूँ मैं अभी इधर से, तो लेगिंग्स भी हो गए। अब 4 ही आयरन चाहिए जिससे मैं बूट्स बना सकता हूँ, आप तो डायरेक्ट मेरे को नहीं चाहिए। 3 आयरन इसमें स्मेल्ट हुए, 4 आयरन। तो चलो भाई आयरन के बूट्स भी अब बन जाएंगे, तो इसको मैं जल्दी से बना लेता हूँ। और एक आयरन की शॉर्ट भी बना लेते हैं और इसको इधर रखते हैं। चलो अभी हम इक्विप करेंगे अपना पूरा का पूरा आयरन का आर्मर। ये लो, ये चेस्ट प्लेट, ये हेलमेट, ये चड्डी और ये बूट्स, ये आयरन के स्वॉर्ड मेरे हाथ में। तो देखो हम पूरा का पूरा थोड़ा सा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ मैं आयरन के आर्मर के साथ। तो मैं अब इस बकेट में उधर से वो वाला पानी भी भर लेता हूँ। इधर से आके यहाँ से ये वाला पानी उठाओ और मस्त हो गया। चलो खाना रखेंगे और बिल्डिंग ब्लॉक्स और टॉर्चेस रखेंगे, और ये टॉर्चेस को मैं इधर लगाऊंगा ऐसे, गया। और शायद मेरे सब आयरन पक गए, नाइस। ये देखो कितने आयरन हुआ मेरे पास, अभी 15 आयरन है। तो मैं पूरा ये टूल्स भी बना लेता हूँ आयरन का, अपग्रेड कर लिया, एक्सेप्ट हो, लेकिन हो मैं स्टोन का ही रखूँगा फिलहाल के लिए, अभी तो नहीं चाहिए आयरन का हो। तो मैं ये वाला, ये मेरा फर्नेस के इधर से निकल लेता हूँ। मेरे पास कितना कॉबल स्टोन है, 64, 45 है, इनफ तो नहीं होगा, लेकिन मैं फिर कभी बाद में मैं लेने आ जाऊंगा, कोई टेंशन इच नहीं। और देखो मैं इधर से आयरन भी मिस कर दूंगा, और शायद रात भी होने वाली है या फिर सुबह हो रही है, पता नहीं। लेकिन हाँ जल्दी से मैं घर पे जाके मिलता हूँ तुम लोगों को। तो चलो मैं अभी यहाँ पे घर पे पहुँच चुका हूँ, और मेरे घर पे एक गधा क्या कर रहा है, चलो इसको मार लेते हैं। ये मर गया, नाइस। इसका लेदर में इधर एक चेस्ट, भाई आज तक अभी तक मैंने चेस्ट नहीं बनाया, क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी से मैं एक इधर डबल चेस्ट बना के इसमें मेरा ये सारा का सारा सामान डाल देता हूँ, इन्वेंटरी में जगह कम पड़ रही है मेरे। अभी मुझे इस वाले एरिया को ये पूरा क्लियर कर देना है, वहाँ यहाँ पे ये वाले जो ऊपर वाला लेयर है ना, इसको मैं पूरा फ्लैग करने वाला हूँ। तो जल्दी से काम पे लगते हैं।
मैंने ये यहाँ का ये वाला तो मैंने निकाल दिया, अब ये इस वाले को भी मैं जल्दी से काट देता हूँ, मतलब खोद देता हूँ। ये लो हो गया, नाइस, अच्छा खासा एरिया तो इधर क्लियर तो हो चुका है, लेकिन मेरे को अभी भी इधर की थोड़ा सा इधर टेरा फॉर्मिंग वगैरह करनी है, तो वो भी मैं जल्दी जल्दी करने वाला हूँ। और मेरे पास शायद डर्ट की कमी हो जाएगी, तो मैं उधर से किधर से वो डर्ट वगैरह सब खोद के लेकर आऊँगा, और फिर घर बनाएंगे अपना इधर। हाँ तो चलो जल्दी से, मैं अभी जो डर्ट मैंने अभी कलेक्ट किया कितना हुआ है मेरे पास, 64 और 52, ठीक है उनसे मैं अभी इधर थोड़ा सा ये लैंड को मैं और भी फ्लैट कर देता हूँ। तो इस जगह इतना मैं पूरा इसमें डर्ट भरने वाला हूँ अभी। अरे यार मेरे को लगा ही था कि डर्ट की कमी पड़ने वाली है, अब मेरे को और डर्ट वगैरह खोद के लाना पड़ेगा इधर किधर से। क्यों ना यहाँ से डर्ट खोद लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे मैं एक बिल्ड बनाऊँगा, वो तुम लोगों को वो एपिसोड जब निकलेगा वहीं पे पता चल जाएगा। तो जल्दी से इसको क्लियर करते हैं, और डर्ट भी इकट्ठा हो जाएगा, एरिया भी फ्लैट हो जाएगा। मैं आ जाता है, देखो जॉम्बीज भी स्पॉन होने चालू हो गए। रात हो गई है क्या? नहीं। वाह भाई रात हो गई और मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन ये इतना उजाला कैसे है भाई रात होने पर भी? अब शायद से बारिश रुक जाना चाहिए। अब हो गया ना पूरा क्लियर। भाई साहब ये क्या मेरे को मारने आ रही है? इतनी चौड़ आ गई क्या तेरे पे? तुझे क्या लगता है तू मेरे को मार पाएगी? इसको देखो ये ले। तो चलो मेरा शवल भी अब टूटने वाला है, इसको वो भी मेरे को नया बनाना पड़ेगा आज। देखो मैंने ये पूरा का ये एरिया पूरा फ्लैट कर दिया है, अभी मेरे को इसमें घर बनाना है, तो उसके लिए मेरे को बहुत सारा वुड बहुत सारा कॉबल स्टोन चाहिए, तो वो भी मैं अभी कलेक्ट करता हूँ। तुम लोग मेरे को अभी तक स्प्रूस का वुड नहीं मिला है, तो मैं इस पहाड़ के ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ अगर इधर मेरे मुझे वो मिलता है तो इसको। गाइस मैं अभी उस वाले पहाड़ से इस वाले पहाड़ पर आ रहा हूँ रिवर से, और देखो मुझे क्या मिला भाई साहब। और इधर नीचे एक बहुत बड़ा केव भी है भाई, कितना नीचे गए। लेकिन इस वाले वो केव्स वगैरह को मैं किसी और एपिसोड में एक्सप्लोर करूँगा। और ये देखो भाई पूरा का पूरा पॉपी का वो है, ये तो वो क्या बोलते हैं पूरा का पूरा बायोम ही है भाई साहब। तो मैं इधर से अब बहुत सारा इस स्प्रूस का वुड और सैपलिंग्स वगैरह कलेक्ट करके जाता हूँ। अच्छा गाइज मैंने तो रियलाइज़ भी नहीं किया मेरे पास 4 स्प्रूस के सैपलिंग्स आ भी चुके हैं भाई। नाइस लो भाई शायद मिल गया। हाँ भाई मिल गया, अब मेरा जिंदगी सफल हो गया भाई, मेरा काम हो गया सब। मैं जा रहा हूँ अपने घर, तुम्हारा जो भी है सब तुम रखो, मैं जा रहा हूँ। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस ये सैपलिंग्स वगैरह चाहिए थे जो मेरे को मिल चुके हैं, और मेरा घर इस पहाड़ के उस तरफ है, तो मैं जल्दी से चलता हूँ उधर। और मेरे को इधर बहुत सारे लाइलैक्स भी दिख रही है, तो मैं ये भी ले लेता हूँ, घर में डेकोरेशन में काम आएगा लाइलैक्स वाले फूल। तो चलो इधर से घर चलते हैं। अब मेरा घर शायद इधर यहीं कहीं पे इधर नीचे था भाई। मेरा घर किधर गया? घर वाला एरिया शायद इस पहाड़ के नीचे। व्हाट द हेल, ये लो क्या हो रहा है? ये जॉम्बी एपोकलिप्स, 3 जॉम्बी विलेजर एक ही साथ, क्योंकि मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि अपने पेरो प्लेयर क्या है नहीं प्लेयर ऑफ प्लेयर प्लेयर ऑफ प्लेयर वो क्या होता है दे रहा है मेरे घर का एरिया वहाँ पे। तो है मैं भी अजीब बंदा हूँ। हाँ दे दिया, चलो अब दुआ करता हूँ कि कोई भी क्रीपर वगैरह आके ना फूट जाए मेरे पास। ठीक है नहीं फूटा, रुको मैं हड्डियाँ कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं वो व्हीट को जो मैंने वो लगाया था ना उसको मैं जल्दी से ग्रो कर पाऊँ। तो ये इस पुरुष के जो मैं सैपलिंग्स लाया था उनको मैं यहीं कहीं पे लगा देता हूँ शायद यहाँ पे, ठीक है ये जगह अच्छी है। और इधर मेरे को बॉन्स भी मिल गया ना इस, और ये भी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और जो भी पॉट जलाएगा उनको मैं बाद में वो कर दूंगा माइन कर दूंगा। और मेरे पास ये बोन है, इसका मैं ये बोन मिल बना के इस पे रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ ठीक है, पर कोई नहीं चलेगा, मेरे पास जितना उड़े उससे मैं प्लान कर लूँगा।
और मैं वही वाला घर बनाने वाला हूँ जिसका मैंने आपको तुम लोगों को ट्यूटोरियल दिया था ना, वो एक वीडियो मैं वही वाला बनाने वाला हूँ। तो ऊपर चढ़ते हैं और 3 4 और सेम को इधर भी करना है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो मैंने ये घर का वो पिलर्स वगैरह वो कर लिया प्लान आउट, और मेरे को बहुत सारे प्लैंक्स चाहिए स्प्रूस के, तो मैं उनको भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये भाई इनफ तो नहीं होंगे, लेकिन वाह नाइस, मेरा पेड़ उग चुका है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो मैं उसका भी वो स्प्रूस का वुड कलेक्ट करके लाऊंगा और फिर मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। और भाई मेरा स्प्रूस का वुड ही ख़त्म हो गया, तो कोई नहीं, चलो मैं जल्दी से अब इसको माइन कर लेता हूँ। ये इस वाले वुड को मैं पूरा का पूरा खोद डालूंगा, एक भी वुड नहीं रखूँगा। और सैपलिंग तो भाई जितने गिरेंगे मैं सब ले लूँगा। इसको इस वाले पेड़ को काटने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ बना के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और ऊपर से मैं पूरा का घूमते पूरा घूमते हुए काटते आऊँगा। एरिया भाई यहाँ पे तो पूरा एक विलेज वगैरह सब बनेगा भाई साहब, एकदम प्रॉपर बनेगा भाई। तो जल्दी से मैं इसको अब घूमते हुए माइन करता हूँ, और घूमते हुए से मेरा मतलब है, मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ, ऐसे इस वाले ब्लॉक के बिल्कुल एज में आना है और फिर माइन करना है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो और इसको ऐसे करते हुए पूरा नीचे तक माइन करना है। और ये कुछ फाइनल वुड टूटते हुए हमारा एक पूरा का पूरा ट्री यहाँ पे हो चुका है नीचे। और मैं प्लैंक्स बनाता हूँ, और जब तक मैं प्लैंक्स लगाऊंगा तब तक तो ये उब भी जाए, वो सैपलिंग्स वगैरह नीचे गिर जाएंगे और वो मैं उठा लूँगा। और ये कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे जहाँ पे मैं डोर लगाने वाला हूँ यहाँ से भी, और मैं जल्दी से वो नीचे वाला वेब साइड उग जाएगा तो उसको भी मैं वो करके आता हूँ, थोड़ा सा उगाए तो ये शुगर केन को भी मैं हार्वेस्ट कर देता हूँ और फिर से लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे 1 2 3। और ये देखो ये उग गया और ये भी उग गया, 2 वीट हो गए मेरे पास और 5 सीड हो गए। तो इनको मैं ऐसे ऐसे लगा देता हूँ, 1 2 नाइस। देखो मेरा वो पेड़ का लीफ भी झड़ रहा है, तो मैं जल्दी से वहाँ पे सैपलिंग्स वगैरह उठा लेता हूँ, अभी स्पन हो जाएंगे और फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कितना हुआ, 3 हुआ है अब तो भाई, बहुत सारे चाहिए मेरे को। और ये गेम इतना लैग कर रहा है ना मेरा भाई, तो मेरा गेम अभी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है भाई जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं इस घर को जब मैं फिनिश कर होने वाला होगा ना ये घर, तो मैं रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर दूँगा और तुम लोगों को बता दूँगा क्या चल रहा है इधर हालचाल, ठीक है। और मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग्स भी दिखाऊँगा जहाँ पे मैं वुड वगैरह और कॉबल स्टोन माइन कर रहा होता हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर से। तो ओके, घर का ये पूरा ये मैंने वॉल्स वगैरह और डोर्स वगैरह के लिए वो सब बना लिया है। तो अभी तो ये बहुत वो भद्दा सा लग रहा है, खंडर सा लग रहा है, लेकिन जब ये बन के ख़त्म हो जाएगा ना तो भाई इतना अच्छा लगेगा ना, मेरे ख्याल में तो यही लग रहा है मेरे को। लेकिन चलो फिर ये सब बनाते हैं और बीच बीच में मैं अपडेट देता रहूँगा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो चलो, व्हाट द हेल, मैंने उतने मेहनत करके वहाँ पे मेरा एरिया फ्लैट किया घर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो भाई इतना फ्लैट एरिया है भाई साहब। इसका कोऑर्डिनेट्स मेरे यहाँ पे अब रिकॉर्ड हो चुका है वीडियो में, तो मैं बाद में यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बनाऊँगा भाई साहब। और ये देख मेरे तीनों के तीनों पेड़ उग चुके हैं और इधर 2 उगना और बाकी है। वेट, ये वाला बी हाइव के साथ हो गए, ओ भाई साहब भाई बहुत ही, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात हो गई भाई, बी हाइव के साथ होगा तो मैं बाद में बीज लेकर आऊँगा तो भाई बहुत आसानी हो जाएगी भाई साहब, क्या ही लक चमक रहा है मेरा आज। गाइस शायद घर पूरा का पूरा फिनिश करने में इस वाले एपिसोड में तो टाइम नहीं मिलेगा, ये वाला टावर जो है मैं अगले एपिसोड में करूँगा, क्योंकि अभी देखो भाई 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और फोन भी लैग करने लगा है थोड़ा सा। तो ये वाला ये टावर वाला काम मैं अगले एपिसोड में करूँगा, तो माफ़ कर देना भाई इस एपिसोड में नहीं कर पाया। और ये ट्रीज भी अब उग चुके हैं, उनको मैं फिर कभी हार्वेस्ट कर दूँगा ऑफलाइन जाके। और मेरे को यहाँ का ये जो है इसको लगाना है ये रूफ, तो जल्दी से उसको भी कर देते हैं। गाइस प्रोग्रेस हो रही है घर पे, प्रोग्रेस हो रही है, घर कंप्लीट हो जाएगा तो भाई बहुत मस्त दिखने वाला है ऐसा मेरे को अभी लग रहा है, अभी से लग रहा है भाई साहब। होप करते हैं बहुत अच्छा दिखे, मैं फिर से मिलूंगा बाद में।
लैग करेगा मोबाइल मेरा, यही बात है। मोबाइल लैग नहीं करता तो मैं भाई पूरा रिकॉर्ड करता पूरा का पूरा बिल्ड, लेकिन अफसोस नहीं कर सकते गाइज। यू नो व्हाट, देखो भाई मेरे पीछे क्या हो गया भाई, घर पूरा कंप्लीट हो चुका है बनके, बस ये वाला टावर और पूरा इंटीरियर करना बाकी है, फिर उसके बाद तो भाई हो गया मेरा भाई साहब। वो ये टावर और इंटीरियर मैं करूँगा अगले एपिसोड में, और फार्मिंग भी करेंगे अगले एपिसोड में। मैं मिलूँगा तुम लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।